आज की वीडियो में दोस्तों हम बिनका पेरिविंकल को सीट से ग्रो करना सीखेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पूरी अपडेट के साथ किस तरीके से मैंने बिनका की सीडलिंग की और उस पर कब तक फूल आ गए। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं बिनका को सीट से ग्रो करना तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को अगर आप सीड से ग्रो करते हैं तो यहाँ पर एक बात का ये जानना जरूरी है कि आपके पास जो सीड हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अगर आपके पास जो सीड हैं अच्छी क्वालिटी के होंगे तो सीड की जर्मिनेशन जल्दी स्टार्ट होगी और फूल भी ज़्यादा आने के चांस होते हैं। तो ये जो सीड है मैंने अंकुर जी से खरीदे हैं, तो आप चाहें तो अंकुर जी से ये सीड खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए बिनका के लिए। बिनका की सीडलिंग करने के लिए आपको चाहिए कोकोपीट 30%। कोकोपीट के अलावा दोस्तों आपको चाहिए 30% बर्मी कंपोस्ट, और बर्मी कंपोस्ट के अलावा दोस्तों चाहिए आपको नॉर्मल गार्डन की सैंडी सॉइल। तो यहाँ पर 30% मैंने ये बर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है और इसके अलावा दोस्तों 30% मैंने ये सैंडी सॉइल। तो चलिए बात कर लेते हैं पोट की, पोट किस तरीके का होना चाहिए। तो जो भी पौधा आप लगाएं या सीडलिंग करें तो देख लें जो भी आप पोट यूज कर रहे हैं उसके बॉटम में होल होना चाहिए। उन होलों को किसी भी कंकड़ पत्थर से आप कवर कर लें। कंकड़ पत्थर से कवर करने के बाद में जो मिट्टी है आप रेडी करके इस पॉट में भर लें। भरने के बाद दोस्तों हल्का पानी दें और पानी देने के बाद में आप सीडिंग करें, सीड को मिट्टी के ऊपर से बिछा दें। इन सभी सीड्स को मिट्टी के ऊपर बिछाने के बाद में, मिट्टी के ऊपर डालने के बाद में बारी आती है किस तरीके का सॉइल मीडिया से इन सीड्स को हमें ढकना है। तो मैं यहाँ पर इन सीड्स को ढकने के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल करूँगा। कोकोपीट का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो सीड की जर्मिनेशन है वो बहुत जल्दी होगी, क्योंकि जो कोकोपीट होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। कोकोपीट से सीड्स को ढकने के बाद में बारी आती है अच्छे से पानी देने की। जिस तरीके से मैं पानी दे रहा हूँ सीड्स को, इस तरीके से आपको पहली बार अच्छे से पानी देना होगा। और उसके बाद में इस टोकरी को आपको ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पर पूरा दिन की धूप आती हो। आपको इसको छाया वाली जगह पर नहीं रखना है बल्कि आपको डायरेक्ट धूप में रखना है। तो चलिए इसको मैं धूप में रख देता हूँ, देखते हैं कुछ दिनों के बाद का रिजल्ट। बिनका की सीडलिंग किए हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। काफ़ी सारे पौधों की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात का ये जानना जरूरी है क्योंकि गर्मी तेज़ है काफ़ी, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर मॉइस्चर खत्म हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे ड्राई भी हो सकते हैं। तो इसलिए मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। दोस्तों बिनका की सीडलिंग किए हुए लगभग 1 महीना 20 दिन हो चुके हैं और काफ़ी सारे जो पौधे हैं हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ट्रांसप्लांट के काबिल हो चुके हैं। लगभग 6 पौधे हैं, बाकी 2 सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो पाई। तो चलिए इनको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं और एक बड़े पॉट में लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब इनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है इनको ग्रोथ करने के लिए। और जिस पॉट में ये लगे थे, जिस पॉट में हमने सीडलिंग की थी, तो पॉट छोटा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे रूट्स भी बन चुकी हैं। तो इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए किस तरीके की मिट्टी है तो चलिए बता देते हैं। तो इनके लिए जो मैंने मिट्टी ली है ट्रांसप्लांट करने के लिए वो नॉर्मल गार्डन की सैंडी सॉइल 70%, और इसके अलावा 30% मैंने बर्मी कंपोस्ट को लिया हुआ है। दोनों को अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में इस बड़ी टोकरी में भर दिया। और भरने के बाद में कुछ इस तरीके से दोस्तों हमें ट्रांसप्लांट करना है, इन पौधों को लगाना है, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं।
तो दोस्तों बिनका को सीट के द्वारा फूल आने तक की ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा उन लोगों को भी हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमसे जुड़ने के लिए। साथ में घंटी का बटन जरूर दबा दें। उसका फ़ायदा ये होता है कोई भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचता है और आप वीडियो सबसे पहले देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।